उपमंडल के गांव गाजुवाला के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा रितिका ने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल कर स्कूल का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। रितिका के परीक्षा परिणाम के बाद स्कूल में खुशी का माहौल रहा तथा स्कूल स्टाफ ने रितिका और उसके परिजनों को स्कूल में बुलाकर विशेष रूप से सम्मानित किया। इस दौरान रितिका ने अपनी इस सफलता का श्रेय स्कूल स्टाफ की मेहनत और माता पिता के सहयोग को दिया। जानकारी अनुसार रितिका के पिता चरण सिंह प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं तथा माता शैलेंद्र गृहिणी है। सर, इस सफलता के पीछे कोई विशेष रहस्य नहीं है। मैं अपना सफलता का पूरा श्रेय सर या तो मेरे अध्यापकों को या फिर मेरी मम्मी को देना चाहती हूँ। सर, एक बढ़िया एनवायरनमेंट जो मुझे चाहिए था। प्राइवेट स्कूल की अपेक्षा मैंने सरकारी स्कूल को चुना क्योंकि सर यहाँ पे बढ़िया एनवायरनमेंट मिला और मुझे बढ़िया टीचर्स मिले। मैं सर जितना सर स्कूल टाइम होता है सर उतना, और स्कूल टाइम के बाद भी सर हमें एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। सर घर से मुझे पूरा सहयोग मिला है। सर अलग से स्टडी रूम था मेरा, और सर मेरी मोम मेरे साथ सर दो दो तीन तीन बजे तक सर जागती थी। मेरी बेटी ने मैंने सुबह 2 बजे उठती थी और शाम को देर रात तक पढ़ाई करती थी जी। मैं इसके लिए मैंने दूध वगैरह देती थी, बीच बीच में थोड़ा सा मनोरंजन सा कर देती थी, थोड़ी बातचीत सी ताकि ये नींद ना आए। तो क्या आपको लगता था कि ये दूसरा स्थान प्राप्त कर लेगी? जी हाँ, मुझे मेरी बेटी पर बहुत विश्वास था। हाँ, सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई कि ग्रामीण अंचल के इस विद्यालय ने अपनी छाप के अनुरूप अपनी जो है वो प्रसिद्धि बनाए रखी और यहाँ तक पहुँचने की जहाँ तक बात आती है, इस सारी बात का श्रेय इस विद्यालय के मैं डेडिकेटेड स्टाफ को देता हूँ जिन्होंने सर्वोपरि विद्यालय के कार्य को रखा है, अपने अध्यापन के कार्य को रखा है और इन बच्चों को शहरी बच्चों से कहीं आगे दर्शाने की जो उनकी एक चेष्टा थी, उनकी ये लगन उनको यहाँ तक पहुँचाने में कामयाब हुई है। और इस विद्यालय का जो शैक्षणिक वातावरण है वो देखते ही बनता है। इस गांव की ग्राम पंचायत का जो इस स्कूल के ऊपर ध्यान दिया जाता है उसने हमें इस बात के लिए प्रेरित किया है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी बहुत अच्छी शिक्षा दी जा सकती है।